हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज संजीव। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके सप्लीमेंट पे, सप्लीमेंट पार्ट, सप्लीमेंट। गाइस, आज का जो वीडियो है एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं देने का ट्राई करूंगा जितना मुझे पता है इस सप्लीमेंट के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। इससे ये हो जाएगा, इससे ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, सब वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई विल ट्राई टू बस्ट द मिथ एज वेल एज सप्लीमेंट कैसा काम करता है आप पे, ये क्या है सप्लीमेंट, क्यों यूज करते हैं लोग, ये सब आप जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने की ट्राई करूंगा। और सप्लीमेंट है द फेमस वन एंड ओनली क्रिएटिन। क्रिएटिन गाइस इज अ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सप्लीमेंट, नॉट ओनली इन बॉडी बिल्डिंग। सिर्फ आप उसको बॉडी बिल्डिंग से नहीं जोड़ सकते, आप सिर्फ जिम से एक्सरसाइज से नहीं जोड़ सकते, इट्स ए कंप्लीट लाइक लाइफ सप्लीमेंट। सो इट हैज सो मेनी इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। आपको पावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, मसल गेन करने में हेल्प करेगा आपका, और नॉट ओनली फिजिकली, इट हैज सम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि आपके ब्रेन फंक्शन में हेल्प करेगा, आपको स्ट्रेस फ्री करने में ट्राई करेगा। सो गाइस, देयर आर टन्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस क्रिएटिन एंड एज आई सेड सो मेनी मिथ्स ऑल्सो। ये वीडियो बात करने जाएंगे तो बहुत बड़ा होएगा, देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट क्रिएटिन। सो इसलिए मैं प्लान किया है कि एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, आई विल बी मेकिंग लाइक इन एपिसोड्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वीडियो। क्रिएटिन पे जो भी एपिसोड बनेगा वीडियो, इट विल बी लाइक डिवाइडेड इनटू वन एपिसोड, वन और टू, और विल ट्राई टू फिनिश इन टू और एल्स थ्री। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। आपने देखा होगा क्रिएटिन बहुत सारे लोग यूज करते रहते हैं जिम में, और बहुत सारे ट्रेनर्स सजेस्ट करते हैं क्रिएटिन लेने के लिए। बट आई एम श्योर, मेरे को पता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादातर ट्रेनर्स को पता ही नहीं है वो क्यों क्रिएटिन दे रहे हैं। वो कहीं वीडियो देख लेते हैं, कहीं लिखा हुआ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि क्रिएटिन विल हेल्प इन गेनिंग साइज और समथिंग समथिंग, इसी बेस पे वो आपको सजेस्ट कर देते हैं क्रिएटिन ले लो। और आप कुछ उनको कुछ अगर आप डाउट पूछोगे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में उसका, मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनर्स जिनको पता है, ओके दैट्स ग्रेट थम्स अप, जिनको नहीं पता है दे विल बी लाइक अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो द मोर, लाइक थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिन के बारे में आपको पता चल जाएगा, जिससे कि यू विल बी लाइक मोर कॉन्फिडेंस वाइल यूजिंग एंड यू विल गेट द आंसर्स। क्रिएटिन है क्या एक्चुअली? क्रिएटिन इज ए नॉन प्रोटीन कंपाउंड, प्रोटीन नहीं होगा, क्रिएटिन इज नॉट ए प्रोटीन, इट इज ए नॉन प्रोटीन कंपाउंड विच ऑलरेडी लाइक प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो अपनी बॉडी ऑलरेडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती रहती है अमीनोस के मदद से, जो है ग्लाइसिन, आर्जिनाइन, मिथियोनाइन। और ये अमीनोस आपको मिलते कहाँ से? मेनली नॉन वेज से। बट वेन यू ईट नॉन वेज, देर इज लाइक स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द क्रिएटिन विल बी प्रोड्यूस इन यूर नॉन वेज फूड। सो अपन क्या करते हैं, थोड़ा बूस्ट करने के लिए वी आइदर वी गो फॉर सप्लीमेंट, और अगर आप फूड के थ्रू क्रिएटिन प्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू ईट ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो द सेकेंड ऑप्शन विल गो फॉर सप्लीमेंट। सो क्रिएटिन इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सप्लीमेंट, फर्स्ट रिसर्च वॉज डन इन 1926। सो जब से क्रिएटिन मौजूद है अपने मार्केट में, एंड इट्स स्टिल लाइक रिसर्च चल रहा है उसके बारे में, और एंड दे डिक्लेयर दैट इट्स सेफ फॉर ह्यूमंस, एंड टिल नाउ देर इज नो साइड इफेक्ट रिकॉर्डेड एज पर क्रिएटिन। सो क्रिएटिन करता क्या है गाइस? जब आप लेते हो क्रिएटिन, द 95% ऑफ द क्रिएटिन विल बी लाइक प्रेजेंट इन योर मसल्स, आपके मसल्स के में जाके वो वहाँ पे रहेगा, और जो 5% है इट विल बी गोइंग टू योर ब्रेन और अदर पार्ट्स लाइक टेस्टिस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो 5% इट विल बी देयर, एंड 95% विल बी लाइक इन योर मसल्स एज ए लाइक फॉस्फेट। देर विल बी टू एनर्जी सिस्टम्स, फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, बॉडी हैज टू एनर्जी सिस्टम। जब आप कुछ वर्क कर रहे हो, इधर वेट लिफ्टिंग और रनिंग और मैराथन कुछ भी, तो आपके बॉडी में जो है जहाँ से एनर्जी आती है उसके दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है नॉन एरोबिक। एरोबिक इट्स लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, जो वो अपने ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन के साथ, इट्स लाइक साइंटिफिक, सो विथ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो ज़्यादातर मैराथन्स रनर्स जो लॉन्ग एक्टिविटी करते हैं उनके लिए एरोबिक सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन एरोबिक एनर्जी गाइस
शॉर्ट लिफ्टिंग, जैसे आप एकदम एक हैवी वेट उठा रहे हो, सो आप उठाते उठाते आप टायर्ड हो गए बट स्टिल यू वॉन्ट टू पुश मोर, सो जब आप पुश करते हो एंडिंग में, सो द बॉडी विल रिलीज लाइक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सो जब ATP रिलीज करता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जब आपका नॉन एरोबिक सिस्टम वर्क करता है, सो हियर कम्स द क्रिएटिन. सो मेनली लाइक इन ए जनरल लैंग्वेज, व्हेन यू गो फॉर हेवी वेट्स विद शॉर्ट ड्यूरेशन, इफ यू आर पुशिंग योरसेल्फ, आप खुद को थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक पुश कर रहे हो कम टाइम में, सो योर बॉडी विल बी नॉट वेटिंग टू ऑक्सीजन को ले और एनर्जी प्रोड्यूस करे और रिलीज करे. इट विल सी फॉर लाइक शॉर्ट टर्म एनर्जीज विच आर प्रोड्यूस इन यूर मसल्स. सो हियर कम्स द क्रिएटिन इन पिक्चर. सो यू कैन से लाइक इफ यू आर गोइंग ए हेवी वेट इन द एंडिंग रेप, जब आप लास्ट रेप में आप उठाते हो, दैट टाइम इट विल बी रिलीज इन यूर ब्लड स्ट्रीम एंड इट विल गिव सम हेल्प, इट विल पुश यू टू गो फॉर फ्यू मोर रेप्स. When you are lifting heavy weights, when you are doing some intense activity like sprinting, immediate sprinting or throws, short puts, जो भी एकदम आपको energy चाहिए, your body will taking the energy from the creatine. So ये था main function of creatine to produce ATP, more ATP. And brain के लिए भी help होगा, जैसा मैंने कहा है. So it's all about ATP. So even your brain needs like some kind of energy to work. So the more ATP, your brain will be like happy and produce oxytocin. Oxytocin is the happy hormone, jiske wajah se unka depression kam hone mein use hoga. So creatine is not only useful for physical change, it is also used for like psychological changes also. So ye tha chota sa introduction apne creatine ke bare mein. The more I will let you know in the next episode. Aur pata karna hai zyada information creatine ke bare mein, so kya karna hai guys? Please subscribe kariye mere channel ko for more updates, more videos like this. So guys, it's like short information on creatine. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए. So guys, stay natural, stay healthy, stay fit. Bye.